हेलो लिसनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार श्रोता मित्रों। इफ यू आर जॉइनिंग अस इन आवर ब्रॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि आप हमारे प्रसारण में पहली बार हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, वी आर इन द मिडल ऑफ अ सीरीज ऑफ मैसेजेस फ्रॉम फर्स्ट पीटर, तो हम पहला पत्रस पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट फर्स्ट पीटर 4:1-6। आज हम पहला पत्रस 4 अध्याय के 1-6 पदों को देखने वाले हैं। Have you ever asked yourself what is my purpose in life? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? What do I want to accomplish in my life? अपने जीवन में मैं क्या करना चाहता हूँ? What am I doing on a daily basis to accomplish the purpose in my life? मेरे जीवन के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन मैं क्या कर रहा हूँ? How can I measure success in accomplishing this purpose? इस उद्देश्य को पूरा करने में मैं सफलता को कैसे माप सकता हूँ? Every believer must ask themselves these questions. प्रत्येक विश्वासी को अपने आप से ये प्रश्न पूछने चाहिए। Every believer must have answers to these questions. प्रत्येक विश्वासी के पास इन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। These are crucial questions that none of us can escape. ये बहुत गंभीर प्रश्न हैं जिनसे हम में से कोई बच नहीं सकता। There are some people who think that they are successful if they have a good job. कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यदि उनके पास अच्छी नौकरी है तो वो कामयाब हैं। Or a flourishing career. या एक उन्नतिपूर्ण व्यवसाय है। Or some think that they are successful if they have enough money. या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि उनके पास पर्याप्त धन है तो वो कामयाब हैं। Don't fool yourself. अपने आप को मूर्ख न बनाएं। There is no such thing as enough money. पर्याप्त धन जैसी कोई बात नहीं है। Human nature the way it is. मानव स्वभाव जिस प्रकार का है। People always want more. लोग हमेशा और चाहते हैं। But you need to ask yourself this question. परंतु आपको खुद से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। What is the sum total of my ambitions? मेरी महत्वाकांक्षाओं का कुल जोड़ क्या है? As a matter of fact, I go through this exercise of asking myself these questions on a regular basis. एक तथ्य के रूप में मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछने का प्रयोग लगातार करता रहता हूँ। And I wait before God until I'm able to answer. और जब तक मैं उत्तर नहीं दे पाता परमेश्वर के सामने प्रतीक्षा करता हूँ। What is my purpose in life? जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? What is God's purpose in my life? मेरे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? How are these two purposes meshed together? कैसे ये दो उद्देश्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? How am I going to accomplish that purpose? मैं उस उद्देश्य को कैसे पूरा करने वाला हूँ? My listening friends, here are some of the problems. मेरे श्रोता मित्रों, ये है कुछ समस्याएं। Most people do not ask these questions. अधिकतर लोग तो ये प्रश्न पूछते ही नहीं हैं। Let alone even struggle with the answers. इनके उत्तरों के साथ संघर्ष करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। Many people don't know where they are going. अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। And therefore they don't know whether they get there or not. और इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि वो वहाँ पहुँचेंगे या नहीं। And when they get there, they're still confused. और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर भी उलझन में रहते हैं। They aim at nothing in general and they hit nothing in particular. साधारण रूप से उनका कोई निशाना नहीं है और विशेष रूप से वो कहीं पहुंचते नहीं। It is a fact that there are more people who fail through lack of purpose than those who fail through lack of talent. ये तथ्य है कि उद्देश्य की कमी के कारण असफल होने वालों की तादाद उनसे अधिक है जो प्रतिभा की कमी के कारण असफल होते हैं। Years ago, a famous but busy man got on a train. वर्षों पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध परंतु व्यस्त व्यक्ति रेलगाड़ी में सवार हुआ। When the conductor asked for his ticket, जब कंडक्टर ने उससे टिकट मांगी, the man began to frankly search for his ticket. तो वो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी टिकट ढूंढने लगा। But he couldn't find it. परंतु उसे न ढूंढ पाया। Finally, the conductor said to him. अंत में कंडक्टर ने उससे कहा, Don't worry, sir. We know who you are. चिंता मत कीजिए श्रीमान, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। We know you have a ticket. हमें पता है कि आपके पास टिकट है। Don't worry about it. इसकी चिंता न करें। Just mail it to the railway when you find it. बस जब ये आपको मिल जाए तो डाक से रेल विभाग को भेज दीजिएगा। But the man said as he kept on frantically looking for the ticket. परंतु उस व्यक्ति ने लगातार टिकट ढूंढना जारी रखते हुए कहा, Sir, the problem is I need the ticket to know where I'm going. श्रीमान, समस्या ये है कि मुझे टिकट की आवश्यकता है ये पता करने के लिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। Many believers do not know where they are going in their Christian life. बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते कि वो अपने मसीही जीवन में कहाँ जा रहे हैं। And therefore they end up accomplishing nothing for God. और इसलिए वो अंत तक परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाते। They touch no lives. वो किन्हीं जीवनों को
नहीं छुपाते। They change no situation. वो किसी परिस्थिति को नहीं बदल पाते। They impact no one. वो किसी पर प्रभाव नहीं डाल पाते। They achieve no results. वो कोई परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। And they flounder until it's too late. और वो छटपटाते रहते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। Individual believers must have a vision. विश्वासियों के पास निजी दर्शन होना आवश्यक है। Churches must have a vision. कलीसियाओं के पास दर्शन होना आवश्यक है। Christian institutions must have a vision. मसीह संस्थानों के पास दर्शन होना आवश्यक है। The Bible says that without a vision, the people perish. बाइबल कहती है कि दर्शन के बिना लोग नाश हो जाते हैं। And if 1 Peter 4, 1-6 tells us anything, it tells us that we must have the right destination. और यदि पहला पत्रस 4 अध्याय के 1 से 6 पद हमें कुछ बताते हैं, तो वो ये है कि हमारे पास सही मंजिल होनी चाहिए। Not only that, इतना ही नहीं, but we must keep on going after we start on the road to our destination. परंतु एक बार अपनी मंजिल के रास्ते पर चलना शुरू करने के बाद हमें चलते रहना आवश्यक है। People are always fascinated with the lifestyle of the rich and famous. प्रसिद्ध और अमीर लोगों की जीवन शैली लोगों को हमेशा मोहित करती है। But today I want to tell you about the lifestyle of the blessed and the joyful. परंतु आज मैं आपको आशीषित और आनंद से भरपूर लोगों की जीवन शैली के विषय में बताना चाहता हूँ। Any Christian can begin to emulate the lifestyle of the blessed and joyful. कोई भी मसीही एक आशीषित और आनंद से भरपूर व्यक्ति की जीवन शैली की बराबरी करना प्रारंभ कर सकता है। That's what the word of God tells us. परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। Peter says it is not impossible. पत्रस कहता है कि ये असंभव नहीं है। The Bible says that it is not reserved for the fortunate few. बाइबल कहती है कि ये सब कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ही आरक्षित नहीं है। It is not reserved for the morbid and the unhappy people. ये रोगी, बीमार या दुखी लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। No. नहीं। On the contrary. इसके विपरीत। It is the lifestyle that God desires for all His children. ये वो जीवन शैली है जिसकी इच्छा परमेश्वर अपने सब बच्चों के लिए करता है। In fact, it is the lifestyle of Jesus. बल्कि ये यीशु की जीवन शैली है। Look with me at the text of 1 Peter 4, 1-6. मेरे साथ पहला पत्रस 4 अध्याय के 1 से 6 पदों के वचनों को देखिए। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी इसे अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वो पाप से छूट गया है। इसलिए शरीर में अपना शेष जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं में नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अतीत का जो समय तुमने विषय भोग, कामुकता, पियकड़पन, रंग रैलियों, मद्यपान गोष्ठियों तथा घृणित मूर्ति पूजाओं में गंवाकर अन्य जातियों के इच्छानुसार कार्य किया, वो ही पर्याप्त है। इन सब बातों में उनको आश्चर्य होता है कि तुम ऐसे भारी दुराचार में अब उनका साथ नहीं देते, अतः वे तुम्हारा अपमान करते हैं, परंतु वे उसी को लेखा देंगे जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को तैयार है। इसलिए मरे हुओं को भी सुसमाचार इस अभिप्राय से सुनाया गया कि यद्यपि शरीर में उनका न्याय मनुष्यों के अनुसार हो, वे आत्मा में परमेश्वर के इच्छा अनुसार जीवित रहें। These first six verses of chapter 4 चार अध्याय के ये पहले 6 पद contain a wealth of blessings आशीषों की दौलत समेटे हुए हैं। Let me summarize it for you आपके लिए मैं इसे विस्तार पूर्वक बताता हूँ। The life that has a purpose वो जीवन जिसमें उद्देश्य है is a life that is mentally prepared for whatever you may face. ऐसा जीवन है जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। The life that has a purpose वो जीवन जिसमें उद्देश्य है is a life that is spiritually powerful to resist the old way of life. ऐसा जीवन है जो जीवन जीने के पुराने तरीके को नकारने के लिए आत्मिक रूप से सामर्थी है। The life that has a purpose वो जीवन जिसमें उद्देश्य है is a life that is ultimately proven by the Lord in the day of accountability. ऐसा जीवन है जिसे जवाबदेही के दिन आखिर प्रभु के द्वारा सिद्ध ठहराया जाएगा। Let me give them to you simply again. मैं एक बार फिर से साधारण रूप से इसे आपके लिए दोहराता हूँ। Mentally prepared, मानसिक रूप से तैयार, spiritually powerful, आत्मिक रूप से सामर्थी, ultimately proven, अंत में सिद्ध ठहराया गया। When you have a purpose in life, जब आपके पास जीवन में उद्देश्य होता है, you are mentally prepared for whatever you may face. तो आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। Look at 1 Peter 4:1. पहला पत्रस 4 अध्याय का 1 पद देखिए। Because Christ died, therefore arm yourself.
क्योंकि मसीह ने मृत्यु सही, इसलिए तुम भी इसी इच्छा के हथियार बांध लो। यू आर टू बी मेंटली आर्म्ड। आपको मानसिक रूप से हथियार बांधकर तैयार रहना है। A soccer player has one purpose in mind. एक फुटबॉल खिलाड़ी के दिमाग में एक ही उद्देश्य होता है। He must get the ball to go between the goalposts. कि उसे फुटबॉल को गोल के दो खंभों के बीच में पहुंचाना है। The purpose is very clear. उद्देश्य बिल्कुल साफ है। And because his purpose is clear, और क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट है, the soccer player knows the difference between a teammate who is going to help him accomplish his goal. फुटबॉल खिलाड़ी अंतर जानता है अपने उस साथी खिलाड़ी में जो गोल करने में उसकी मदद करने वाला है, from the opposing team member who is trying to stop him from achieving his goal. और विरोधी टीम के उस खिलाड़ी में जो उसे गोल करने से रोकने का प्रयत्न कर रहा है। So he is mentally prepared for opposition. इसलिए वो विरोध का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। He is mentally prepared for distractions. वो ध्यान भंग के प्रयत्नों से भी मानसिक रूप से तैयार रहता है। He is mentally prepared for hindrances. वो बाधाओं के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहता है। But he is also prepared for success. परंतु वो कामयाबी के लिए भी तैयार रहता है। It works the same way in a Christian life. मसीही जीवन में भी ऐसा ही है। When you know what your purpose in life is, जब आप जानते हैं कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, When you know what your goal is, जब आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, When you know what the vision is, जब आप जानते हैं कि आपका दर्शन क्या है, You will be able to distinguish between those that are hindering you and those that are encouraging you. तो आप आपके रास्ते में बाधाएं डालने वालों और आपको प्रोत्साहित करने वालों में अंतर कर पाते हैं। You are mentally prepared for the challenge. आप चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। But my listening friends, let me tell you something else. परंतु मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। You are mentally prepared for victory. आप विजय के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। This is really the most important part. ये सच में सबसे महत्वपूर्ण भाग है। Peter is saying that Jesus' goal was to go to the cross. पत्रस कह रहा है कि यीशु का लक्ष्य था क्रूस तक जाना। That was the goal of the Lord. यही प्रभु का लक्ष्य था। For that he left heaven and came to earth to go to the cross. इसी के लिए वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया कि क्रूस तक पहुंचे। The Bible said that he set his face like a flint toward Jerusalem. बाइबल कहती है कि उसने अपना चेहरा चकमक पत्थर की तरह यरूशलेम की तरफ दृढ़ रखा। And Peter is saying because that was his purpose in life. और पत्रस कह रहा है क्योंकि ये उसके जीवन का उद्देश्य था। No matter how physically painful those nails were as they tore into his flesh. उसके शरीर को चीर डालने वाले वो कील शारीरिक रूप से चाहे कितने भी पीड़ादायक न रहे हों। He stayed the course. वो अपनी दिशा में चलता रहा। No matter how emotionally painful it was to see Peter's denial of him three times. चाहे पत्रस की तरफ से तीन बार उसका इनकार करना भावात्मक रूप से कितना ही दुखदायी क्यों न रहा हो। He stayed the course. वो अपनी दिशा में चलता रहा। No matter how hurtful it was for him to see all of his disciples flee. चाहे अपने सब चेलों को उसे छोड़कर भागते हुए देखना उसके लिए कितना ही दुखदायी न रहा हो। He stayed the course. वो अपनी दिशा में चलता रहा। And Peter is saying that because Christ died on the cross. और पत्रस कह रहा है कि क्योंकि मसीह ने क्रूस पर मृत्यु सही। He made sin to be defeatable. उसने पाप को हराना संभव कर दिया। He made sin to be overcomeable. उसने पाप पर विजय पाना संभव कर दिया। He made sin to be destroyable. उसने पाप का विनाश करना संभव कर दिया। Most of us will never suffer such severe injustice and pain as Jesus suffered. हम में से अधिकतर लोग इतना भयानक अन्याय और पीड़ा कभी नहीं सहेंगे जितना यीशु ने सहा। The pure, sinless, holy Son of God. परमेश्वर का पवित्र पाप रहित शुद्ध पुत्र। The one who never sinned in thought, word or deed. वो जिसने कभी विचारों, कार्यों या शब्दों में भी पाप नहीं किया। Was crucified like a criminal. उसे एक अपराधी की तरह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। Most of us never suffer that kind of injustice. हम में से अधिकतर लोग कभी ऐसा अन्याय नहीं सहते। But some of us may innocently suffer the scorn of others because of our faith. परंतु हम में से कुछ को शायद हमारे विश्वास के कारण निर्दोष होते हुए भी दूसरों की घृणा सहनी पड़े। Some of us may innocently suffer the misunderstanding of our commitment to the Lord. हम में से कुछ को शायद निर्दोष होते हुए भी प्रभु के प्रति हमारे समर्पण के बारे में दूसरों की गलतफहमी के शिकार होना पड़े। Some of us may innocently suffer the questioning of our motives. हम में से कुछ को शायद निर्दोष होते हुए भी अपने उद्देश्यों की जांच पड़ताल सहनी पड़े।
Peter is saying that during those times, पत्रस कह रहा है कि ऐसे समय में, arm yourself with the power of Christ's cross. अपने आप को मसीह के क्रूस की सामर्थ के साथ तैयार कर लो. And when you do that, और जब आप ऐसा करेंगे, you will be mentally prepared for whatever you might face in life. तो आप जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे. Some of you may have heard GPS or Global Positioning Satellite. आप में से कुछ लोगों ने GPS या विश्व में कहीं भी स्थिति पता करने वाले उपग्रह के विषय में सुना होगा. That's what they use for some of the mobile phones. इसी का प्रयोग कुछ मोबाइल फोन के लिए किया जाता है. It can calculate your position on the earth to within a few feet of your exact location. ये उपग्रह धरती में कहीं पर भी आपके कुछ फुट के दायरे में आपकी स्थिति का पता लगा सकता है. Every believer has a GPS system called the Holy Spirit. हर विश्वासी के पास एक GPS प्रणाली है जिसे पवित्र आत्मा कहा जाता है. When your purpose in life is clear, जब जीवन में आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, even when you face distraction, चाहे आप भटक भी जाएं, your internal GPS or Holy Spirit will tell you exactly where you are. तो आपका आंतरिक GPS या पवित्र आत्मा आपको बता देगा कि आप कहां पर हैं. And what you need to do to get back on track with the Lord. और ये भी कि प्रभु के साथ वापस मार्ग पर आने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है. You will be mentally prepared for whatever might face you. आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे. Next time we will see that we will be spiritually powerful to resist the old way of life. अगली बार हम देखेंगे कि जीवन जीने के पुराने तरीके का सामना करने के लिए हम आत्मिक रूप से सामर्थ्य होंगे. Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ.